नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं LNI। कोविशील्ड कंपनी ने कहा अब ना वो वैक्सीन का निर्माण करेगी और ना बेचेगी। क्या है पूरा मामला? कुछ समय पहले कंपनी की बनाई कोरोना वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट सामने आए थे। अब कंपनी ने फैसला लिया है कि वह वैक्सीन का ना निर्माण करेगी ना ही बेचेगी। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने और क्या कहा है? कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने दुनिया भर में अपनी COVID-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। हालांकि एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजारों से हटाया जा रहा है। अब बाजारों में कोई दूसरी एडवांस वैक्सीन मौजूद है जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती है। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर दी गई है। एस्ट्राजेनेका ने यह भी बताया कि 5 मार्च 2024 को वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया गया था, यह मंगलवार 7 मई से लागू हो गया। अब यूरोपीय संघ में वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बीते हफ्ते पहली बार कोर्ट में स्वीकार किया कि उसकी COVID-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी में ही कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा किया। इसी में बताया कि इसकी कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में TTS हो सकता है। UK हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1,000 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन खराब है और इसके प्रभाव को काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जब एस्ट्राजेनेका की COVID-19 वैक्सीन लगानी शुरू हुई थी तब भी इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर खूब विवाद हुआ था। हालांकि तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन के कई गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले थे। कहा गया था कि वैक्सीन लगने के बाद थकान, गले में दर्द और हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखे, लेकिन किसी की मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया था। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही SII ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया था। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई है। कैमरामैन अरुण के साथ मैं आदर्श विश्वास, LNI लखनऊ।